देखिए, ओपी राजभर जी का अपना एक दल है, जिसका जो दल होता है उसको अपने फैसले लेने का अधिकार होता है। लेकिन ये भी सच है, जिसका जो असली चेहरा होता है वो एक न एक दिन जनता के सामने आ ही जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता को जरूरत नहीं हम लोगों की है, ऐसा हमने महसूस किया। जब प्रेस वार्ता करते हैं तो जयंत चौधरी को बुला लेते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को न बुलाना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुला करके उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित की लड़ाई लड़ते हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे निचले पायदान पे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा किया है, तो आप उनका समर्थन करिए। तो हमने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आइए जो है वो आ रहे हैं उनसे मिलिए। तो मैं चला गया मिलने, जो 8 तारीख को भोज था उसमें गया मिला और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उसके बाद जो है मैंने कहा कि ठीक है, फिर उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया कि आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं, तो मैं आप आइए हमारे यहाँ। तो मैं चला गया उनसे मिला, मिल करके सारी बात हुई। बात होने के बाद फिर हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता को जरूरत नहीं हम लोगों की है, ऐसा हमने महसूस किया। जब प्रेस वार्ता करते हैं तो जयंत चौधरी को बुला लेते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को न बुलाना। राज्यसभा का चुनाव आया तब राज्यसभा जयंत चौधरी के दे देना, और उसके बाद एमएलसी का चुनाव आया तो हम लोगों को ना पूछना। ये तो एक तरह से इग्नोर करने की बात ही हो रही है उनके यहाँ से। अब देखिए, अब हम लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग द्रौपदी मुर्मू का समर्थन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अपील पर और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सिर्फ वोट की बात हुई, सिर्फ वोट सिर्फ वोट को लेकर के बात हुई। मैं फॉर्च्यूनर से नहीं चलता हूं, मैं इनोवा से चलता हूं। मेरे पास दो इनोवा है और मेरे पास कोई फॉर्च्यूनर नहीं, मैं कभी फॉर्च्यूनर से चला हूं।